बट देयर कम्स अ पॉइंट जब आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो. तो वो उस टाइम पे मेरा वो पॉइंट आ गया. फिर वो लास्ट मोमेंट पे नहीं हुआ. आई लॉस्ट इट बाय वन, लिटरली वन रैंक. वो जो पीरियड था दैट वाज लाइक इमोशनली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. टाइम पे जो आप व्हाट यू गो थ्रू वो बाद में क्वेश्चनेबल बन जाता है. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Shruti Jalota, second year MBBS student in Sri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, which is situated in Nehru Chowk Mandi, Himachal Pradesh. तो एज अभी जैसे नीट हुआ है तो यू ऑल मस्ट बी स्ट्रेस्ड एंड ऑल एंड बिलीव मी, मुझे इतने कमेंट्स कभी किसी चीज़ के लिए नहीं आए, इतनी रिक्वेस्ट किसी के लिए आए जितनी मुझे अभी आ रही है. अपने ड्रॉप वाली जर्नी शेयर करो. तो फिर मुझे लगा कि वो तो बहुत ही लंबी स्टोरी है, तो इट्स बेटर कि मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट आर द पॉइंट्स जिस पे आप चाहते हो दैट आई शुड टॉक अबाउट. और आई नो ये जो होता है कि जो मेरे आसपास के लोग होंगे उनको बहुत क्रिंजी भी साउंड करेगा एंड बट जो है इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना. जो मतलब आप उसते हैं और बाद में वो फनी बन जाता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उससे बुरा और इससे स्केरी आपके लिए कुछ भी नहीं होता है. सो आई एम वेरी ओके इन शेयरिंग ऑल दैट. और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसे मेरे बारे में क्या लगता है और किसे इसको सोच के मुझे क्या जो भी लगता है. सो आई डोंट केयर. सो या लेट अस बिगिन विद दैट. एंड तो इसमें मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट आर द पॉइंट्स और व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव, है ना, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई नीड टू डिस्कस. तो या लेट अस बिगिन एंड आंसर दोज. तो सबसे पहले है, हाउ वॉज योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट इन 11th एंड 12th एंड हाउ डिड यू इम्प्रूव देम. तो मैं आपको बताना चाहूँगी दैट आई हैव स्टडीड फ्रॉम शिमला कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मेरी चेल्सी शिमला. तो वहाँ पर क्या था कि मतलब ठीक है इट वॉज़ फाइन, बट जब उस टाइम पे हमें जब हमें स्कूल में पढ़ाते थे तो देर वॉज नथिंग ऐसा कि मतलब वो हमें सिर्फ बहुत ही बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाते थे हमेशा. तो हमें कभी भी नहीं ये स्कूल में बोला गया कि मतलब यू कैन डू इट, जैसा अब होता है जैसे अब सब लोग मतलब 12th के बाद ही एकदम से क्रैक कर लेते हैं या फिर 11th 12th में ही सीरियसली प्रिपेयर करते हैं. हमारे में ऐसा नहीं था, हमें किसी ने कभी नहीं कहा कि इसके बाद हो सकता है. तो मतलब हमारे दिमाग में एक्चुअली वी वर कंडीशन एंड ट्रेंड लाइक दैट कि हमें लगता था कि अच्छा ठीक है अभी मैं कर रही हूँ, अभी तो मैं 11th 12th कर रही हूँ तो आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप. तो मतलब इट वॉज वेरी नॉर्मल ऐसा सोचना, मतलब एक बार के लिए भी नहीं हमने सोचा कि अभी हो जाएगा. इनफैक्ट जब मैं अपना फर्स्ट टाइम नीट देने गई थी आई डिडंट इवन नो कि ये कितने बिलीव मी, और मैं बचपन से डॉक्टर ही बनना चाहती थी, देर इज नो डाउट इन दैट. बट कभी इतना कुछ भी नहीं रिसर्च, क्योंकि उस टाइम इतना यूट्यूब ही वो ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने पहले की बातें कर रही हूँ. बट सीरियसली ये सब जब से जियो आया तब से हुआ है. मैं बात कर रही हूँ आपसे 2016, 17, 18 की, मेरे 11th 12th के टाइम पे जो उस टाइम इतना नहीं होता था. उस टाइम आप देखोगे तो उतने फ्रेशर्स क्लियर करते भी नहीं थे क्योंकि इतना नहीं था. तो जो हमारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था वो इतने लाइक नहीं था कि वो कोई कॉम्पिटिटिव हम एग्जाम क्रैक कर पाएँ. तो फिर जितना भी है वो बाद में ही बिल्ड हुआ बाकी पर. फिर भी मैंने कभी भी ट्यूशन सेंटर्स कोई नहीं ज्वाइन किए थे. मैंने सिर्फ 12th में आके फर्स्ट टाइम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज्वाइन किया था. तो जितना था वो भी बेस मेरा वहाँ से थोड़ा बना, बट इतना नहीं था जितना रिक्वायर्ड होता है. उसके बाद है, हाउ डिड यू मैनेज विद द सैड थॉट्स और द डिसअपॉइंटमेंट और द डिसअपॉइंटेड फैमिली मेम्बर्स. तो ड्रॉप ईयर्स में देखो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स में सबसे पहले आपको दिखते हैं आपके पेरेंट्स और जो आपके सिबलिंग्स हैं. तो मेरे पेरेंट्स जो थे मतलब ठीक है, जो मेरा फर्स्ट टाइम था मतलब आई वॉज एन क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट चाइल्ड से बोलते हैं, तो सबको हमेशा से लगता था कि मेरा 12th के बाद हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा. बट उस टाइम तो मैंने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज हम मैं आपको बता रही हूँ हम लोग तो सोच के ही चलते थे कि मैंने इसके बाद ड्रॉप करना है. बट फिर जब उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप में मतलब उन्हें दिख गया था जो बिल्कुल लास्ट वाला पीरियड था मेरा, मतलब मैं आपको इतना बता दूँ कि वो जो पीरियड था दैट वाज लाइक इमोशनली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. कुछ कुछ हो गया था तो फिर मतलब मैंने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था. तो फर्स्ट ड्रॉप में मतलब मैं उसको बिल्कुल अपनी गलती मानती हूँ, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था. तो उस टाइम भी वो मतलब दे वर वेरी डिसहार्टन, वो मुझे ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ाने की कोशिश करते थे, क्वेश्चन पूछते थे जो बल्कि दे आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, मतलब वो अपने से बहुत कोशिश करते थे. बट वो फिर भी उतना डिसहार्टनिंग नहीं था क्योंकि मैं उतनी डिसहार्टन नहीं थी. फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा किया तब वो मतलब मेरा सेकेंड ड्रॉप था तो उसमें हुआ बहुत ज़्यादा कि मैंने ठीक है मैं ये नहीं बोल रही मैंने दुनिया से अलग ही कुछ पढ़ा, बट उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ मतलब मेरे साथ बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. तो बट उसमें भी फिर भी क्या हुआ कि मैंने एग्जाम दिया एंड उसके बाद आई फेल्ट कि हो जाएगा.
है ना, बट चलो वो मैं आपको आगे बताती हूँ. तो फिर इसमें क्या हुआ, हाउ डिड आई मैनेज विद द सैड थॉट्स. तो मुझे सैड थॉट्स जितना भाई जब सेकंड ड्रॉप के बाद जब मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, और मैं आपको बताऊंगी कभी किसी वीडियो में कि एक सीक्वेंशली ऐसे इवेंट्स हो रहे थे कि बिल्कुल बिल्कुल श्योर होता जा रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो लास्ट मोमेंट पर नहीं हुआ. आई लॉस्ट इट बाई वन, लिटरली वन रैंक है ना. और ये जो होता है कि सुनने में जैसे लगता है कि झूठी बोल रहे होंगे, बट दैट इज़ वॉट हैपेंड. तो मतलब वो डिसअपॉइंटेड से ज़्यादा आई वुड से माई पेरेंट्स वर डिसहार्टेंड, एंड दैट इज़ रियली सैड. एंड जैसे आपने अगर वो सीरीज़ देखी होगी, एस्पायरेंस कुछ ऐसा नाम है शायद उसका, तो यूट्यूब पे ही थी वो. तो उसमें भी यही होता है कि मतलब तब तक सब ठीक है जब तक बाकी लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी आप हैंडल कर लोगे. बट देयर कम्स अ पॉइंट जब आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो. तो वो उस टाइम पे मैं क्वेश्चन करने लगी थी, एंड दैट मतलब मुझे लगता है कि फैमिली मेम्बर से ज़्यादा मेरे लिए वो डिफिकल्ट था जब मैं खुद को क्वेश्चन कर रही थी. और उसको मैंने हैंडल कैसे किया, देर वॉज नो वे आउट. मतलब मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं मतलब प्रॉब्लम को सोच के मैं बहुत सैड हुई, मैंने बहुत सैड होकर भी टाइम वेस्ट किया अपना. बट मतलब इवेंचुअली मुझे यही लगता था कि इससे मतलब आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस, और इससे बाहर मुझे सिर्फ मैं ही लेकर आ सकती हूँ, मुझे भी और मेरे पेरेंट्स को भी. और इनफैक्ट बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं ड्रॉप ईयर्स के टाइम पे जो आपके पेरेंट्स को उस टाइम टेम्परेरली मतलब बहुत हर्ट भी कर देते हैं. बट आई ऑलवेज हैड दिस इन द बैक ऑफ माई माइंड कि अभी इनको बुरा लग रहा है, दैट इज़ बेटर दैन उनको जो हमेशा के लिए बुरा लगता रहे जो अगर मेरा एग्जाम नहीं होगा. तो इसके लिए मतलब यही वे आउट है. आप डिसअपॉइंटमेंट का कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस ये कर सकते हो कि आप आगे के लिए मेहनत कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि ये जो है ये अभी डिसअपॉइंटमेंट जहाँ अभी है ये यहीं ख़त्म हो जाए और आपके साथ ये फर्दर ना जाए. और जब वो खुशी होती है एग्जाम जब आपका हो जाता है, दैट मतलब क्लियर्स ऑल द पेन अवे. मतलब इसमें मेन बात है कि ये जो बहुत ही एक्सट्रीम दुख होता है दैट इज़ मतलब सो टेम्प्ररी. मतलब वो विद इन आपका 3 आवर्स में जब आप एग्जाम देके निकलोगे ना, तो आपको एकदम से भूल जाओगे कि हुआ क्या था आपके साथ. नेक्स्ट इज वट वॉज योर आइडियल टाइम टेबल विच यू फॉलोड एज अ नीट एस्पायरेंट. तो मैं आपको जो कुछ इस टाइप की बातें, तो वो मैं अपने लास्ट जॉब के बारे में ही बताऊंगी क्योंकि उसमें मतलब आई वॉज द मोस्ट सीरियस. मेरी कोचिंग क्लासेस का टाइम अराउंड 1 बजे होता था. बट जब मैं हेलिक्स में थी उससे पहले वाले ड्रॉप में, तो फिर हेलिक्स में तो मेरा था कि 8 to 1 हमारी क्लासेस होती थी, फिर मैं वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी. तो मैं अराउंड 6 to 7 PM लाइब्रेरी नहीं जो भी था उनका डाउट रूम या वहाँ वहीं पर बैठ के पढ़ती थी. फिर मैं अराउंड 6 to 7 PM तक, फिर उसके बाद तो आई यूज़ टू लाइक एन्जॉय. उसके बाद में मैं कुछ नहीं पढ़ती थी. लेकिन जब मैं लास्ट स्टॉप था तो उसमें मैं सुबह उठ के मतलब आई यूज़ टू कुक एंड क्लीन एवरीथिंग, मैं खुद करती थी, अकेले रहती थी. तो उसमें मतलब आई यूज़ टू हैव लाइक मतलब मेरा है कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी, फिर खाना वगैरह बनाया, फिर थोड़ा मतलब सुबह के मैं अराउंड में 4-5 घंटे पढ़ लेती थी. फिर उसके बाद मैं क्लासेस करती थी 1 to 6-7 PM होता था. फिर उसके बाद आकर मतलब फिर से खाना ये वो, उसके बाद मतलब ये होता था कि मेरा 2-3 घंटे ही हो पाता था. बट इसमें मेन बात है कि सब्जेक्ट वाइज होता है. तो मैं मतलब हमेशा ऐसे रखती थी कि 2 सब्जेक्ट मुझे मेनली रखने हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि जो टॉपिक मुझे आज क्लास में बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना, तो मैं उसको प्रेफर करती थी ओवर दूसरी चीज़ें पढ़ना, कि मैं एक बार उसको पढ़ लूँ ताकि मुझे याद हो जाए क्योंकि आज ही समझ भी आया. हाउ डिड यू मैनेज ऑल द नेगेटिविटी एंड फियर आफ्टर द ड्रॉप दैट आई टोल्ड यू. इसके लिए नेगेटिविटी एंड फियर को मतलब फियर तो देखो मतलब इट नेवर गोज अवे, वो तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके साथ एंड होने तक नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा. इनफैक्ट जब मेरा मतलब जब मेरा एग्जाम हो गया था अभी लास्ट टाइम, और मुझे लग भी रहा था कि मेरा हो जाएगा, मतलब जब तक मुझे वो हाथ में वो पेपर नहीं मिला ना कि आई हैव बीन अलॉटेड दिस सीट, तब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. तो वो फियर तो नहीं जाएगा. देखो उसके लिए आप फीवर को बस आप यही कर सकते हो, आप यही सोच सकते हो ना कि इसका टेम्प्रेरी सोल्यूशन नहीं, मुझे परमानेंट सोल्यूशन देना है, एंड दैट इज लाइक वर्किंग हार्ड एंड हैविंग द एग्जाम क्रैक्ड. उसके बाद नेगेटिविटी के लिए देखो मेरे पास सिर्फ ये सोल्यूशन है ना, आई नो सबके पास नहीं होता है ना, आई डोंट नो कि उनको क्या करना चाहिए. मेरे पास लास्ट में ये था कि बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, तो मैंने बस ये किया था दैट आई मूव्ड आउट. मतलब जैसे कि मेरा शिमला में घर है, बट माय पेरेंट्स आर माय फादर इज पोस्टेड इन पोंटा साहिब, अब तो नाहन में है, तो उस टाइम पे तो ही वॉज पोस्टेड देयर. तो फिर मतलब आई ऑप्टेड कि मुझे वहाँ पे रहना है. मतलब आई ट्राइड कि मैं मतलब अपना आइसोलेटेड रहूँ. एंड फॉर नेगेटिविटी सेकंड थिंग, मैं आई मेड नो फ्रेंड्स जो मेरे हमेशा से थे, एक दो मतलब आई यूज टू जस्ट टॉक टू देम, मिलना भी कुछ नहीं था. बट मतलब जब भी कभी मेरे मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था, आई यूज टू टॉक टू देम. यही हो सकता है कि आपके पास एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट, क्योंकि उस टाइम पे एंड माई सिस्टर ऑफकोर्स, मतलब माई सिस्टर हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. और ये होता है पेरेंट्स भी मेरे हमेशा देवर ऑलवेज देयर फॉर मी, बट वही होता है ना उनकी भी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी थी, देवर ऑल्सो सो स्ट्रेस्ड, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार आपको समझना. तो नेगेटिविटी एंड
फियर का तो ये है आपको, आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉलेज दिस ईयर ड्यू टू माई नेग्लिजेंस बट श्योर विल वर्क आउट, येस है ना. फिर उनमें है कि एंड ही सेइंग दैट ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड फीलिंग डाउन एज इफ आई एम यूजलेस, हाउ टू मैनेज दिस. वो तो देखो नहीं, आपको सेल्फ मतलब आपको जो एक चीज़ रखनी है दैट इज योर सेल्फ वर्थ, आपको हमेशा अपनी मेनटेन रखनी है. वट एवर हैपन्स, वट एवर इफ यू फेल या फिर आप सक्सीड करते हो नहीं करते हो, सेल्फ वर्थ हमेशा अपनी याद रहनी चाहिए. तो आपको ये तो याद रखना है कि अभी इट इज़ अ फेज, इट इज़ अ फेज, ये याद रखना है आपको. एंड इट इज़ ऑल गोइंग टू पास अवे एंड यू आर गोइंग टू बी देयर जहाँ होना चाहते हो, एंड उसके लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड. उसके बाद हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट एंड हाउ डिड यू मैनेज द स्कोर टू गेट सिलेक्शन इन ड्रॉप ईयर. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैंने आपको बताया था स्कूल के बाद मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कितने मार्क्स पे सीट मिलती, नहीं तो मैं एटलीस्ट उतने का अटैम्प्ट तो करके आती, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन थी. तो मतलब मैंने मुझे लगता है अराउंड 300-350 का ही अटैम्प्ट किया था उसमें से, एंड मेरे कुछ 260 या कुछ समथिंग इतने आए थे. उसके बाद कैसे किया, तो बाद तो फिर यही होता है ना ड्रॉप ईयर में, मतलब यू नो आपके क्या वीक पॉइंट्स है क्या नहीं है, एंड यू वर्क ऑन देम और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो दैट इज़ इट. और दी प्लीज गाइड अस अबाउट कोचिंग लाइक वेदर टू स्टे इन नेटिव सिटी और शुड वी मूव टू चंडीगढ़ एंड ऑल. अब देखो मुझे लगता है कि कोचिंग का ना एकदम से मतलब बहुत चेंज हो गया है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. अब हिमाचल में भी कोचिंग एंड ऑल का थोड़ा है सिस्टम, तो आई डोंट नो वेदर यू शुड मूव टू चंडीगढ़ और नॉट, बट उस टाइम पर देर वॉज नो मतलब कोई ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं थे शिमला में तो एटलीस्ट, तो दैट्स वाई आई मूव टू चंडीगढ़, हेलिक्स चंडीगढ़. तो अब मुझे लगता है कि नेटिव सिटी मतलब मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई का भी देख लो आप, चलो कैसा है अच्छा है, उससे ज़्यादा आपको मतलब ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर आप जैसे चंडीगढ़ जैसी थोड़ी बिग सिटीज़ में अगर आप मूव कर रहे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको आप पे सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आपके पास वहाँ बहुत कुछ करने को है. और एक ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना होता है, और सेकेंड फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना होता है वो होता है कि आप अपने नेटिव प्लेस भी कई बार होता है कि इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि आप वहाँ भी रह सकते हो कि नहीं, तो आपको इन फैक्टर्स को प्लस ऑब्वियसली पढ़ाई को कंसिडर करते हुए चूज करना चाहिए. विच कोचिंग इज बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड वेयर डिड यू टेक ड्रॉप फ्रॉम. नॉर्थ इंडिया में बेस्ट कौन है ये तो मैं बोलने वाली कोई भी नहीं हूँ, बट मैंने जो अपनी कोचिंग थी पहले वो मैंने हेलिक्स से ली थी, हेलिक्स चंडीगढ़, और उसके बाद मैंने एस्पायर शिमला से ली थी. एंड मतलब जो उस टाइम, अब मुझे नहीं पता हेलिक्स में अब क्या कैसा है, बट जब मैंने ली थी तो मतलब इट वॉज सो गुड सो गुड. मतलब वहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड वो लोग हैं, टाइम पे मतलब मेन बात है टाइम पे सिलेबस खत्म होता था, एंड देवर ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है. तो इन्होंने पूछा है कि हम लास्ट मोमेंट पे हमने कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना होता है. तो लास्ट मोमेंट पे तो आई टेल यू मेरी कितनी ही बुरी हालत थी, आई विल हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर श्योर, पक्का है ना आई विल. तो लास्ट टाइम पे तो मतलब बहुत ही गंदी मेरी हालत थी, बट उसमें यही था कि लास्ट के अराउंड 10-12 डेज में मेरी बहुत गंदी हालत थी. आई यूज टू हैव पैनिक अटैक्स एंड आई वुड लाइक शिवर लाइक क्रेजी. तो बट मतलब ये था कि जैसे ही मेरा अटैक होता था बस आई वुड जस्ट गेट बैक टू स्टडिंग. मतलब मेरा यही गोल था कि अब स्ट्रेस मतलब मुझे नहीं पता यार कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, एक ही तरीका होता है जब आप बहुत ही ज्यादा आपका ओवर हो जाए तो मतलब टॉक टू द पीपल यू लव, और सीरियसली मतलब सबसे पहले तो कट ऑफ कर दो उनसे जो आपको थोड़ा भी स्ट्रेस देते हैं, उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दो. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये करो कि मतलब लॉक योर सेल्फ इन अ रूम यार, अपने में रहो और जो अच्छा लगता है वो करो, कुछ अच्छा लगता है बीच में गाने सुनो, किसी से बात करना अच्छा लगता है बात करो, टीवी देखना टीवी देखो. बट मतलब जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आपको ना आपकी जो लास्ट में वाली जो फेज होता है ना उसमें वो सब कुछ बहुत गेम चेंजर होता है. तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यार पूरे साल की मेहनत आपने वो लास्ट में आके एक वीक में खराब कर दिया, आपने कुछ रिवाइज नहीं किया. तो मुझे लगता है इसका बस यही है कि बस जब थोड़ी थोड़ी टेक शॉर्ट ब्रेक्स, और जिसमें आपको बहुत रोना आ रहा है रो लो, जो भी हो रहा है कर लो, बट उसके बाद गेट बैक टू स्टडिंग यार. रोते रोते अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, मुझे कुछ समझ रहा है, बट जस्ट सिट देयर और उसको बस देखो, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जा रहा है. फिर उसके बाद है थिंग्स दैट वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन. मैनी पीपल वोंट अग्री विद मी, मुझे तो जो मेरे लिए पर्सनली वर्क किया था दैट इज नॉट मेकिंग एनी फ्रेंड्स. मतलब एज इन ऐसा नहीं है कि बैचमेट से बिल्कुल बात नहीं करनी है, वहाँ पे क्लासमेट्स जो है करो थोड़ी बहुत, मतलब कीप इट ओरिएंटेड टू पढ़ाई और बस दैट शुड बी ओवर. मतलब कोचिंग के बाद यू शुडन बी टॉकिंग उनसे ही बातें मार रहे हो आप या फिर कहीं जा रहे हो, मतलब अपना अपना तरीका होता है सबका. बट मैंने पहले ड्रॉप ईयर में मैंने इधर उधर बहुत ही मतलब मजे मारे हैं. लास्ट मैंने बहुत बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, मुझे ऐसा लगा था कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं ऐसे घूमना फिरना एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा भी जो होता है ना वो फालतू में बैठे आप चाय पीने बैठे हो एक घंटा वहाँ लगा दिए, सब मैंने छोड़ दिया था. मैंने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लिया था मतलब इस वे में. तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है, सेकेंडली आपको अवॉइड करना है किसी भी ऐसे इंसान से कॉन्टैक्ट में रहना जो आपको टॉक्सिक मतलब है और आपका टाइम वेस्ट करता है. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है, मतलब किसी भी टाइप का रिलेशनशिप में बोल रही हूँ, जो आपको आपको लगता है कि आपकी बार बार लड़ाई होती है और आपको दिमाग खराब करते हैं, तो मतलब जस्ट वॉक ऑफ, मतलब एक ब्रेक ले लो. अवॉइड आपको करना है कभी टेस्ट मिस करना, बहुत अवॉइड करना है. ऐसे नहीं करना है कि यार नहीं पढ़ा है तो नहीं देना, कुछ नहीं होगा, नथिंग टू लूज, पर टेस्ट मिस नहीं करना है.
फिर उसके बाद है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर सेकंड ड्रॉप. मैंने आपको बता दिया, मतलब दैट वाज आल्सो पहले स्टार्टिंग, मतलब मैंने बहुत मेहनत भी की थी, ऐसा नहीं है, बट फिर मतलब इवेंचुअली थोड़ा वो कम हो गया था, लेकिन लास्ट में बिल्कुल ऐसा बन गया था कि अब हो जाएगा, एंड वो नहीं हुआ. एंड आई लॉस्ट इट बाय वन रैंक, एंड दैट ड्रॉप वाज लाइक रियली मतलब फन एंड डिफिकल्ट फॉर मी. उसमें मैं और मेरी बहन साथ रहते थे चंडीगढ़ में, बट शी वाज सो गुड टू मी और उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, एंड शी वाज सो सपोर्टिव, एंड उसकी वजह से मतलब आई वाज मतलब कंपैरेटिवली मुझे एंग्जाइटी और ऐसा काफ़ी कम हुआ था. नेक्स्ट टाइम आई विल क्लियर, बट सेल्फ डाउट भी हो रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी. यार देखो, सेल्फ डाउट एंड डिसअपॉइंटमेंट होना बहुत नॉर्मल है और ऐसा होगा, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ यार, अगर आपको करना है. और मतलब मुझे जो लगता है, मुझे पता नहीं किसने एक बात बताई थी कि जो हम इतना स्ट्रेस गो थ्रू करते हैं एज ए नीट एस्पायरेंट एंड ऑल, वो सब इसलिए होता है बिकॉज वी हैव टू बिकम डॉक्टर्स, है ना, एंड डॉक्टर्स ऑलवेज हैव टू वर्क अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस. वी ऑल नो दैट एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, जल्दी काम करना है और स्ट्रेस भरे सिचुएशन में काम रह के काम कर, मतलब हमें काम करना है, तो फिर ऑब्वियसली इट इज़ ऑल वर्थ इट, मतलब एट द एंड. उसके बाद है यार फुल जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड, या फुल जर्नी पे अलग बनाऊंगी. एंड जब स्टार्ट किया आपको कितना आता था, फिर क्या हुआ, कैसे गलतियाँ. हाँ देखो, जब स्टार्ट किया तो मतलब आई वुड से कि बहुत ही कम आता था, एंड उसके बाद मतलब इट वॉज ऑल वर्किंग हार्ड एंड कैसे सिलेक्शन, ये मैं आपको यार डिटेल वीडियो बनाऊंगी, एवरी थिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, ये भी ये वही बात हो गई. अच्छा, और जितने मार्क्स कैलकुलेट किए थे उतने ही आए थे या कम हुए थे? नहीं यार, मेरे कम तो कभी, एक तो देखो ना, वो अपना अपना तरीका होता है. कई लोग होते हैं ना कि जो जो उनको प्रॉबेबल लगता है वो उसमें अपने आपको मार्क दे देते हैं. मैं उसमें से हूँ कि मैं मतलब हमेशा कम ही लगाऊंगी, अगर जहाँ मुझे थोड़ा भी डाउट है मैं उसमें कम ही लगाऊंगी, तो मेरा ऐसा होता है, इसलिए मेरे कभी कम तो नहीं हुए. इनफैक्ट मतलब थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे एक दो बार, बट कम तो कभी नहीं हुए. और लेकिन जो मेरा लास्ट टाइम था उसमें मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट उतने आए थे जितने बने थे. एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स? या देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 17, कुछ लोग 17 के भी होते हैं. और देखो, अपर लिमिट तो कुछ नहीं है, मतलब वी ऑल्सो हैव जो 25-26 ईयर्स के भी होते हैं, तो देर इज नो अपर लिमिट टू दैट. एंड मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा था, यार नो बडी जजेज यू फॉर दैट, और कोई जज कर रहा है तो इट्स ओके, बिकॉज इट्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी और सबका अपनी टाइमिंग होती है और सबका अपने अकॉर्डिंग होता है, एवरीबडी गोज थ्रू डिफरेंट थिंग्स, तो इट शुडंट मैटर कि हाउ ओल्ड आई यू या क्या. बुक्स फॉर न्यूमेरिकल्स, यार मैं तो देखो ज़्यादा मेनली हेलिक्स वाले मॉड्यूल्स थे, वो ही सॉल्व करती थी, तो आई डोंट नो अलग से. और उसके अलावा MTG मैं प्रीवियस ईयर के लिए फॉलो करती थी. फर्स्ट टाइम नीट दिया था तो 64 आए थे, एंड BSc सेकेंड टाइम में 22-24 और उसके बाद 436 बन रहे हैं. अगला ड्रॉप नहीं करने देंगे तो प्रिपेयर कर लूँ मेरा. अच्छा, MSc के लिए प्रिपेयर कर, यार MSc के साथ कर लो. वी ऑल्सो आई ऑल्सो हैव अ बैचमेट हियर जिन्होंने MSc केमिस्ट्री की थी, उसके बाद ही इज हियर, सो इट्स नेवर टू लेट फॉर योर ड्रीम, है ना. फिर योर ड्रॉप ईयर्स एंड एज, 3 ड्रॉप ईयर्स एंड 22. मुझे समझ नहीं आ रहा है, सेकेंड ड्रॉप में 428 बन रहे हैं, क्या करूँ. घर वाले BSc करने को बोल रहे हैं, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, BSc के साथ करो, जैसे मर्जी करो, टाइम मिलेगा कि नहीं वो आप पे ही डिपेंड करता है. बहुत लोग BDS के साथ भी क्रैक करते हैं. आई एम रियली सॉरी, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे स्किप हो गया. तो इसका आंसर वुड बी दैट कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 11th के बाद कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब जो है वो नीट जो है बहुत ज़्यादा NCERT बेस्ड हो चुका है, तो इट्स वेरी नाइस. तो उसके लिए आपको उतना ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो. प्लस आपके पास अब ऐसा है कि आप सेल्फ स्टडी करो, एंड यू हैव यूट्यूब, और आपके पास यूट्यूब है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो. एंड आप इंटरनेट पर आपको सब कुछ क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट, मॉक सीरीज सब कुछ प्रोवाइडेड होता है. तो बस आप कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ एक टेस्ट सीरीज टाइप आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर खुद ही अपने आप को मॉक टेस्ट ले सकते हो. तो यही आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. और अगर आपके फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूँगी, एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड देम इन माय नेक्स्ट वीडियो या फिर जो भी है मैं मतलब से रिलेटेड बनाने वाली हूँ. एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स, क्योंकि अभी मेरे लिए मुझे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बनने वाली यार. आई थिंक मुझे तो उसके 2 पार्ट्स ही बनाने पड़ेंगे, तो मुझे लग रहा था कि मतलब आई शुड फर्स्ट नो कि आप लोग क्या जानना चाहते हो. सो हियर आर दी आंसर्स. एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मैं अपने बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स की भी, मतलब अपनी तो पहले मैं पूरी ड्रॉप ईयर्स वाली जर्नी शेयर करूंगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स की भी ऐसी डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, बिकॉज मतलब एवरीबडी हैज़ देयर डिफरेंट स्टोरी. और मतलब बिल्कुल ही आप जज नहीं कर सकते किसी को भी किसी चीज़ पे, सबका सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं. तो कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट दैट. और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कमेंट कि क्या पॉइंटर्स होने चाहिए मेरे उसमें.
क्योंकि वैसे तो मेरी अपनी स्टोरी है, बट अगर स्टिल अगर कुछ मिस आउट हो रहा होगा तो दैट वुड हेल्प. और मेन बात है यार कि मतलब ये जो है ना ड्रॉप ईयर वाले बहुत अलग ही स्ट्रेस होता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट. अभी भी जब भी मीट होता है तो मेरे दिमाग में यही, जिस दिन भी था उस दिन भी मुझे 100 बार याद आ गया, उसके एक हफ्ते पहले भी मुझे 100 बार याद, अभी तक भी वो नहीं जाता है. तो आप अभी मत एक्सपेक्ट करो कि वो स्ट्रेस अभी चला जाएगा. ऑल यू कैन डू इज़ यही सोचना कि भाई ये मुझे इसको परमानेंटली हटाना है, एंड परमानेंट सोल्यूशन इज जस्ट बीइंग इन अ मेडिकल कॉलेज. तो वो करने के लिए हाँ ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रेस होगा ऑब्वियसली, यहाँ तो उससे भी बहुत ज़्यादा होगा वो लगता है कि वो, बट मतलब ये अच्छे वाला है, दाग अच्छे हैं वाला स्ट्रेस है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है. बट तो इसके लिए यू जस्ट शुड वर्क हार्ड एंड नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. मुझे तो ये लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसके लिए ठीक है बहुत क्रिंजी और ये वो जिसको भी जो भी साउंड करे, आई डोंट केयर, बट मुझे लगता है कि थैंक गॉड, मतलब आई ऑलवेज थैंक गॉड एंड थैंक माई सेल्फ कि आई डिडंट गिव अप. और माय पेरेंट्स मतलब कि उन्होंने, दे हैव बीन सो सपोर्टिव यार ठीक है. और जो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ बार बार कि उस टाइम पर वो कुछ चीज़ें उनको हर्ट करती हैं, बट वो यू नो कि आपका ओन गुड आपका क्या है, तो कोई बात नहीं उस टाइम के लिए. मतलब ट्राई एंड बी सटल विद दीज थिंग्स, बट कुछ होता है तो कोई बात नहीं, बट इट्स बेटर कि आप उनको बाद में एग्जाम क्रैक करके वो खुश रहें एज़ कम्पेयर टू आपके ड्रॉप ईयर में उनको, है ना. तो याद है, और हाँ जो ये होता है ना एक्स वाई जी लोग, उनकी तो बिल्कुल भी बकवास नहीं सुननी है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा वो तब भी नहीं आएंगे, और वो आपका आपको विश करने भी नहीं आएंगे, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा वो सिर्फ आपको तब पूछने आएंगे. तो दे डोंट मैटर एट ऑल. उनसे तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी लेनी ही नहीं है. अगर आप ले रहे हो ना, मतलब यू थिंक वेरी लेस ऑफ योर सेल्फ, उनसे तो लेनी ही नहीं है. बट हाँ चलो ठीक है, जो आपके साथ रहते हैं आपके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, बिल्कुल इमीडिएट उनसे हो जाता है. बट बी स्ट्रॉन्ग यार, मतलब अगर आपको लगता है ना कि आप बन सकते हो तो ही बन सकते हो, है ना. तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.